खबर गुजरात से है, जहां पर महिलाओं और बच्चों सहित देवी पूजा करने वाले समुदाय के लोग कच्छ उदय वर्तमान पत्र के मालिक गंगाराम भानुशाली और उसके बेटे प्रकाश भानुशाली के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए गांधीधाम बी डिवीजन पुलिस स्टेशन पहुंचे। जैसा कि तस्वीरों में देखा जा सकता है, पुलिस के सकारात्मक रवैये ने बाप बेटे को गुस्सा किया। पुलिस ने वादी की शिकायत को स्वीकार कर लिया था, ताकि आने वाले दिनों में गंगाराम और प्रकाश दोनों को भारतीय दंड संहिता की धारा 394, 389, 499 और 500 के तहत फिर से हिरासत में लिया जा सके। पुलिस को मानहानि, बदनाम करने की धमकी और फिरौती मांगने समेत धाराओं के तहत कार्रवाई करने को कहा गया है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजय गणपत उर्फे टाइगर है और मेरे विषय में अभी एक पेपर में आया था कच्छ उदय में, और उसका नाम, उसका लड़का है जो कच्छ उदय का मालिक प्रकाश है, और वो मेरे विषय में गलत छापा है और गलत लिखाओं में आया है, और मेरे को कोई क्राइम ब्रांच उठाई नहीं है और मेरे को कोई पुलिस ने कोई उठाया नहीं, मेरे पे कोई केस नहीं है। और मेरे को आज से 5-7 दिन पहले मिला था और मेरे को बोला कि भाई तेरा बहुत बड़ा कारोबार चल रहा है और तू दो नंबर का धंधा कर रहा है, तो तेरे को हमारे को व्यवहार करना पड़ेगा। तो मैंने उसको पूछा था पहले कि भाई तू कौन है, तो बोला कि मैं मीडिया वाला हूँ, गंगाराम का लड़का हूँ और मेरे सामने तेरे को देखना पड़ेगा, न कि मैं तेरा बहुत बड़ा छाप दूंगा। मैंने ऐसे बोला कि मैं गलत करता नहीं हूँ, आपको जो करना है वो कर लेना, छूट है। मैंने उसको चोखा बोल दिया था, मैं कुछ करता नहीं हूँ, मेरे पे कोई गलत काम का धंधा है नहीं, आप जिसको मेरे पे करना है वो कर देना। तो उसने बोला कि ठीक है, नहीं करेगा, नहीं समझेगा तो करूँगा, न कि मेरी ऑफिस पे आके व्यवहार कर देना 50,000 का महीने, तो तेरा धंधा पानी चला रहूँगा। मैं बोला खुलेआम कर देना, मेरे को छाप लेना, मैं कोई डरता नहीं हूँ किसी से। तो उसने मेरे लिए खोटा खोटा पेपर में छापा है, और मैं तो सरकार के पास और पुलिस के पास इतने कहता हूँ कि ऐसा मीडिया वाले को बंद करवाना चाहिए और गलत छापने वाले को बंद करवाना चाहिए, और इस पर कायदेसर नहीं कार्रवाई होनी चाहिए और कायदेसर फरियाद होना चाहिए, इतना मेरा कहना है। और मेरी समाज की लकड़ी डुबाई है और हमारा गौरक्षक की लकड़ी डुबाई है, उसका उसको भ्रमण देना पड़ेगा इधर। जय माता जी। कच्छ गुजरात से रतड़ मुकेश की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।